हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हमारे पास है एसुस का FX553VD। ये एक एसुस का ROG सीरीज का लैपटॉप है। तो आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या है और मेरे अपने क्या ओपिनियन है इसी लैपटॉप के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ इस तरह हमें मिलता है एसुस के लैपटॉप का बॉक्स। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ गेमर्स यानी ROG का लोगो दिया हुआ है। पिछले साइड में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एसुस का लोगो दिया हुआ है। लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पे हम मॉडल नंबर देख सकते हैं जो कि लैपटॉप का है FX553VD। तो जल्दी से इसे ओपन करके देखते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर और एक हमें एसुस के लैपटॉप का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हमारा लैपटॉप और चार्जर रहता है। और इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ बेसिक यूज़र गाइड और थोड़ा पेपर वर्क मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल है 54,990 का। ये लैपटॉप मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लैपटॉप का मेन बॉक्स है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स लिखा हुआ है। पिछले साइड से देखिए तो यहाँ पे हमें इस लैपटॉप के स्पेक्स दिए हुए हैं। इस लैपटॉप में हमें मिलता है 15.6 इंच का फुल HD LCD पैनल, 2 GB का GTX 1050 NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड, इंटेल का i5 7th Gen प्रोसेसर और 1 TB की हार्ड ड्राइव। इसी के साथ हमें इसमें 8 GB की DDR4 रैम देखने को मिलती है और इसमें हमें Windows 10 का 64-bit OS मिलता है। और इस बॉक्स में हमें एक पावर कॉर्ड और एक चार्जिंग ब्रिक मिलता है। इसे ओपन कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं सामने इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स लिखा हुआ है और ये हमारा मेन लैपटॉप है जो कि एक वाइट कवर के अंदर कवर्ड आता है। इसके नीचे देखिए तो हमें एक चार्जर मिलता है जिसकी रेटिंग है 19 वोल्ट्स एंड 6.32 एम्पियर। रखते इसे साइड में और देखते हैं हमारा मेन लैपटॉप कैसा है। तो ये हमारा मेन लैपटॉप है, ऊपर से एक एसुस का स्टील में लोगो मिलता है और दोनों साइड से रेड कलर के एसुस के ROG ग्राफिक्स मिलते हैं। इसे ओपन करके देखें तो यहाँ पे हमें सामने की साइड से 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले और नीचे एक रेड कलर का बैकलिट कीबोर्ड मिलता है और इसमें दोनों साइड से ग्राफिक्स डिज़ाइन दिया हुआ है जो इसे बहुत ही एक प्रीमियम लुक देता है। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एक लैन पोर्ट, HDMI पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, एक हेडफोन जैक और एक एयर वेंट मिलता है जिसकी मदद से ये लैपटॉप बहुत ही जल्दी हीट होने के बाद कूल हो जाता है। राइट साइड से देखें तो यहाँ हमें एक USB 3.0 पोर्ट मिलता है और एक CD ड्राइव मिलता है और इसी के साथ एक किंगस्टन लॉक मिलता है जिसकी मदद से हम अपने लैपटॉप का स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। सामने की साइड से देखें तो यहाँ पे 2 स्पीकर्स है जिसकी मदद से ये साउंड आउटपुट आता है और इसी के साथ सामने 4 LED इंडिकेटर्स दिए हुए जो कि चार्जिंग और हार्ड ड्राइव की स्टेटस बताता है। नीचे की साइड से देखें तो यहाँ पे 4 एयर वेंट्स दिए हुए हैं। जब भी हमारा लैपटॉप हीट होता है तो इस एयर वेंट से हीट बाहर आ जाती है और नीचे दिए गए स्टिकर्स पे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इसमें जेन्युइन विंडोज़ मिलता है। सामने की साइड से देखिए तो यहाँ पे हमें एक बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले। ये पूरा कीबोर्ड एक बैकलिट कीबोर्ड है और ये रेड कलर में आता है। ये बैकलिट कीबोर्ड इस लैपटॉप को एक बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे GTX 1080 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है और i5 का 7th Gen प्रोसेसर मिलता है। इस लैपटॉप पे अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो अगर आप एक मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे 50,000 to 60,000 तो आप इस लैपटॉप को बिल्कुल खरीद सकते हैं। पर अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक स्लिम और स्लीक डिज़ाइन का लैपटॉप चाहिए तो यह लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बल्कि लैपटॉप है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स है और बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है और हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है। इसके लिए बहुत ही बल्कि हो जाता है और इसका वेट नियर अबाउट 2 kg है। बैटरी की बात करें तो नॉर्मल यूज़ पे ये लैपटॉप 4 to 5 आवर्स चलता है। अगर आप इसमें एडिक्वेट गेमिंग करते तो ये 3 to 4 आवर्स चल जाएगा। चार्जिंग में ये 0 to 100 3 to 4 आवर्स लेता है।
अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो ये अमेजोन पे 52,000 में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें एनवीडिया की GTX 1050 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से आप इसमें कोई भी गेम आसानी से खेल सकते हैं। इसमें अगर आप GTA 5 खेलोगे तो आपको फुल ग्राफिक्स सेटिंग में नियर अबाउट 45 to 50 फ्रेम्स पर सेकंड मिलते हैं, और पबजी वगैरह ये गेम खेलोगे तो 30 to 40 फ्रेम्स पर सेकंड आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी कुछ टेक वीडियोज लाता रहता हूँ।